अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी मकरोनी, बिल्कुल सिंपल सी सादी सी। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला है 2 से 3 चमचियाँ। तो ये मैंने मुर्गी उबाल के रखी है, छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। पहले हम इसको करेंगे ऑयल में थोड़ा सा फ्राई। ओके, मैंने पहले उबाल के रखी है तो ज़्यादा नहीं करना, फिर वापस सख्त हो जाती है। अब मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने बारीक बारीक शिमला मिर्च काटी हुई है, ये कद्दूकस मैंने 2 गाजरें की हैं, ये हम इसमें डालेंगे। उबाल के भी डालते हैं, मैं वैसे इसको डालूँगी। ये मैं थोड़ा सा डालूंगी नमक हसबे ज़रूरत, ये छोटी सी मुर्गी की चिमटी आ रही है। अब मैं ये डाल रही हूँ काली मिर्च 1/2 चम्मच। अब मैं 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी और गाजर और शिमला थोड़ी नरम हो जाएंगी, गल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अपने ढक्कन उठाया है, ये देखो शिमला गाजर अच्छी तरह फ्राई हो गई है और गल भी गई है, सख्त नहीं है। मैंने कद्दूकस किया था इसलिए। अब हम इसमें ये मैंने उबाल के रखी थी मकरोनी, इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें केचप भी डाल सकते हैं, सोया भी, सब और चीज़ें भी डाल सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाई है, ये मेरे 2 बच्चे जो हैं ये बिल्कुल मिर्च मसाले नहीं खाते। बिस्मिल्लाह।
ये अच्छी तरह मिक्स करनी है। ये ये सिंपल सी मैक्रोनी तैयार हो गई है।